इंडियन बैंक को बैंक बंद है। चलो हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब कोई स्कूल से ले लिया हम लोग, माइन मास आ गए ना बेटे आप लोग। स्कूल से घर जा रहे हैं, स्कूल भी छूट गया, स्कूल के बस भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मासूमा के किचन में हम बनाने जा रहे हैं आज महखलिया। हम लेंगे आधा किलो गोश्त, 6-7 हरी मिर्ची इस तरह से कटी हुई, करियापाक, एक कट्टा कोथमीर और लेंगे ये चमचे से 1.5 चमचा धनिया, ये चमचे से 1.5 चमचा जीरा, आधी कटोरी तिल, एक खोपरे की बट्टी, आधी कटोरी फल्ली, 4 चमचे 4 पल्ली मीठा तेल, बघार के लिए 1.5 चमचा जीरा, 2 टमाटे, 1 चमचा मिर्ची, 1 चमचा नमक, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा अदरक लहसुन। यह है इमली, छटाक इमली। ठीक है गाइस, आज बनाएंगे हम महखलिया। ये कढ़ाई रख दी मैं चूल्हे पे और मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, मसालों को भून के ग्राइंडर में पीस लूँगी। ठीक है गाइस, हम सब पीस के आपको बताएंगे किस तरह से हम मसाले तैयार करें महखलिए के। देखिए गाइस, मैं प्याज भूल गई थी, ये ली मैं 3 डली प्याज, इसको अच्छे तरीके से कट करूँगी और अच्छे तरीके से ब्राउन कलर की से तल लूँगी मैं इसको कढ़ाई में। ठीक है, सब तल के करके आपको बताऊंगी मैं किस तरह से तैयार कर ली ये मसाले। इस तरह से भून लेना है फिर खोपरे को, सब पूरे मसालों को इस तरह से भून लेने का है। अच्छे तरीके से भून लूंगी मैं ये खोपरे को भी। देखिए गाइस, हम अच्छे तरीके से भून लिए हैं ये खोपरा अच्छे तरीके से भून ली मैं, और ये फल्ली और ये तिल अच्छे तरीके से भून ले गए, और ये है जीरा धनिया भी भून ली मैं, और प्याज को भी अच्छे ब्राउन कलर में तल ली मैं। ठीक है, अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए गाइस, अच्छे तरीके से मैं ग्राइंडर कर ली ये मसाले सब। अब इसमें डालेंगे हम ये सब मसाले हमारे, उसके बाद डालेंगे हम ये गोश्त। ज़्यादा हार्ड रेसिपी नहीं है ये, पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम दाल के ये मसालों में। मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको बताऊंगी कैसा मिक्स करना है। चूल्हा रख दी सारी कुकर रख दी मैं चूल्हे पे। अब डालेंगे हम तेल, ये अच्छे तरीके से कुकर गर्म हो जाएगा तो ये मीठा तेल डालूंगी मैं। देखिए गाइस, अच्छे तरीके से मिला लेना है इसको, मिक्स कर लेना है पूरा। ये भी खट्टा भी इधर निकाल ली मैं इमली का। अब डालूंगी मैं मीठा तेल, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम जीरे का बघार देंगे इसे। देखिए गैस, तेल अच्छा सा गर्म होगा, अब डालूंगी मैं जीरा बघार के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ब्राउन कलर का हो जाएगा जीरा तो हम ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं गोश्त में मसाला सब पूरा। ज़्यादा हार्ड रेसिपी नहीं है ये महखलिए की। देखिए अच्छा सा बघार हो रहा, अच्छे से बघार होने दीजिए। ये जीरे का अच्छे से बघार हो गया है, अब डालेंगे हम ये मसाला इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छे से भून लेना है ये मसाले को। अब मैं पूरा मसाला डाल के आपको कैसा मिक्स कर रहे सब बताऊंगी, ठीक है गाइस। देखिए गाइस अच्छे तरीके से मैं मसाला पूरा इसमें डाल ली, अब अच्छे तरीके से भूनूंगी मैं इसको मसालों को। मसाले अच्छा भुने जाना है और अच्छा पकने का है मसाले। देख रहे देखेंगे गाइस हमारा सालन का अर्धा काट चुका है माशाल्लाह। मैं खलिया अच्छे तरीके से भुनेगा तो अच्छा मजे का होता, अभी नहीं भुनेगा ये। ओह छिटे बोल दिया था उछलते, इसके अच्छे तरीके से भुने जाना है। देखिए गाइस अच्छे तरीके से भुने जा रहा है सालन। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ी कोथमीर डालूंगी, हरी मिर्चियां डालूंगी, इसके बाद अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छा भुने जाना है मैं खलिया, अभी नहीं भुनेगा ये, नहीं तो कच्ची बो आती जीरे की धनिया की पूरे मसालों की कच्ची कच्ची वो आती है। अच्छे भुने जाना है, अच्छा भुने गए तो अच्छा टेस्ट आता है इसमें। देखेंगे गाइस सालन कहाँ तक आ चुका है हमारा माशाल्लाह। देख रहे गाइस अच्छे तरीके से भुनेगा हमारा सालन। माह खाली को बहुत अच्छा भुनना। अब इसमें डालेंगे हम खट्टा, अच्छे तरीके से भुनेगा हमारा मसाला। अब इसमें डालेंगे हम खट्टा, इमली का खट्टा डालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको जितना लगता है उतना डाल सकते हैं हिसाब से, हम लोगों को इतना लगता है, हम लोग अच्छा खट्टा खाते हैं। खट्टा डाल के अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे। देखिए गाइस हमारा सालन बन चुका है, अब डालेंगे हम कोथमीर, करिया पाक, एक हरी मिर्ची, और डालेंगे हम ये टमाटर काट के रखे हैं दो, ये दो का टमाटर हम इसमें अब इसमें छोड़ देंगे ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए गाइस अब अच्छे तरीके से पकने दीजिए ये सालन। अच्छा पके बाद हम बताएंगे आपको सालन कैसा बन रहा हमारा। ये महखलिया है, हमारे हैदराबाद में महखलिया बोलते हैं और दूसरी जगह औरंगाबाद में नान खलिया बोलते इसको, ठीक है गाइस। इसको दम पे रख देंगे हम, अच्छा खट्टा पकने दीजिए उसके बाद दम पे रखेंगे। देखिए गाइस अच्छे तरीके से पक रहा है हमारा सालन। चाहे तो आप गाढ़ा भी रख सकते हैं, चाहे तो पतला भी रख सकते हैं आपके लिहाज से। अब मैं हम अच्छा तरीके से खट्टा पक गया है, अब इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। देख रहे हैं अच्छे तरीके से खट्टा पक रहा, पक्की इमली का खट्टा है, अच्छे तरीके से पकाना। कच्ची इमली का खट्टा रहे तो थोड़ा ज़्यादा नहीं पका सकते क्योंकि ऑलरेडी वो कच्ची इमली पकी हुई रहती, ठीक है। हम इसको दम पे रख देंगे। देखिए गाइस इधर भी साफ कर चुकी हूँ मैं, पूरा घर साफ सफाई हो गई आज। ये कल अंकल को डिमार्क से ब्लैंकेट लेके आ रहे थे बहुत सर्दी होने की वजह से, ठीक है गाइस। अब चलेंगे हमारा सालन कहाँ तक आ चुका है, इधर भी पूरा साफ सफाई होगी। सालन दम पे रख दी थी मैं, हुआ नहीं हुआ दम पे अभी देखेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन तो दम होगा माशाल्लाह। देख रहे गाइस, हमारा सालन दम पे है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम कटोरे में सर्व करके बताएंगे आपको। मह खलिये की रेसिपी थी आज हमारी। हे गाइस, हमारा सालन बन चुका है, मज़ेदार लज्जेदार हैदराबादी मह खलिया बन चुका है ये। देखिए गाइस, हमारा मह खलिया बना दी मैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह से बनाइए आप, बहुत मज़ेदार होता मह खलिया। नान की रोटी के साथ खा सकते हैं आप, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ख्याल रखिए आप इस तरीके से। ठीक है।